हटा दिए हैं, हम अपनी अपनी प्लेट्स लेकर आ गए हैं। हाँ, अपनी प्लेट्स लेके आ गए भाई। एक मिनट बेटा, जल्दी अब मैं जाऊं, मैं जाऊं, कट्टी जाओ, मैं जा रही हूं। तो यहाँ पे भाई बहन की मस्ती चल रही है, देख लीजिए किस तरह से। मैं कह रही हूँ पानी डाल के थोड़ा कमजोर करेंगे। बाप की तो कोई कहते नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रतन जे एंड के। तो आपने हमारा लास्ट व्लॉग देखा होगा जहाँ पे हमने आपको दिखाया था पराशर लेक, और हमने बताया था कि आगे का हमने कुछ डिसाइड नहीं किया कि आगे क्या करेंगे। तो एटलीस्ट हमें ना एक्चुअली कोई लोकेशन यहाँ पर इतनी दूर दिख, बहुत दूर दूर लोकेशन से कोई पास में लोकेशन नहीं थी। हमने यहाँ के होटल्स वगैरह में भी पता किया, होम स्टेज में, उसके प्राइजेस हम आपको डिक्लेयर करेंगे थोड़ी देर के बाद बताएंगे। बट अब हमने डिसाइड किया इस तरह से हम दिखाते हैं, कार्स अपनी लगा लिए। तो आज रात को हमारी कैंपिंग साइट ये बन चुकी है, आज रात की कैंपिंग हम करेंगे यहाँ पर। तो दिखा दो किस तरह से रात को मजा ही आ जाएगा, आज एंजॉय करने वाले। बॉनफायर भी होगा, कर लिया यहाँ पर, बॉनफायर लगाएंगे। और आगे आगे क्या क्या करने वाले हैं वो आगे वीडियो के साथ बने रहेंगे, तो आप देखते रहेंगे। अपना दीपक भाई, ओ दीपक भाई देखो भाई कहाँ से, मैंने कहा यहाँ से कौन सा शेर बाहर आ गया भाई, ये क्या चक्कर है। हाँ भाई देखो क्या बात है, दीपक भाई का यहाँ सेटअप ओपन हो चुका है, कपिल भाई का वहाँ पे लग चुका है भाई, बस ओपन करने वाले हैं। ये हमारा ये भी किचन ओपन होने वाली है, बस करते हैं भाई। यहाँ पे बोन फायर का सिस्टम, अभी लकड़ी शकड़ी लगेगी तो करते हैं भाई। इतनी जबरदस्त ऊपर, कितनी प्यारी पहाड़ी है, पूरा भरा हुआ जंगल है भाई। और वहाँ पे भाई चांद निकल चुका है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है बिल्कुल मेरे को, मगर बादल है पीछे, बिल्कुल बादलों के पीछे है ये भाई। यहाँ पे हमने अपने, मैंने एग्स रख लिए हैं भाई बॉयल करने के लिए। मैंने कहा भाई थोड़ी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए कैंपिंग करने के लिए भाई, डाइट्स भी अच्छी चाहिए कैंपिंग जब करनी है भाई, डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए अपनी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है, बंदा इंजॉय भी करता है, मगर खाना पीना थोड़ा अच्छा होना चाहिए, डाइट फुल रखो तभी इंजॉय होगा भाई। तो करते हैं इंजॉय। अपने लड्डू को दूध पिला रही है तो उसको सुलाने की कोशिश, अभी सोया था, मन्नत ने उसको उठा दिया, मन्नत बहुत शैतान है भाई, उसको तंग करके उठा दिया, उसको उठ गया तो पलक गई है उसको सुलाने के लिए। तो इतनी देर में मैंने कहा मैं एग बॉयल कर लेता हूँ, तो हाँ पलक ऐसे लेटी अंदर, दिखा दूँ वो, देखो देखो भाई आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा, पलक वो लेटी है वो देखो। क्या बात है, गाड़ी के अंदर सुला रही है, बहुत मुश्किल से फिर से सुलाया है, नींद में आया क्योंकि वो पराशर लेक जब हम गए थे तो बहुत ज़्यादा उसने ना घूमा है, बहुत वॉक किया, आज तो थक गया है। बट उसको पता कैसी आदत है कि मैं उसके पास जब तक लेटी हूँ ना वो सोया रहता है, तो बड़ी मुश्किल से मैं उसका काम करके। तो अब जा रहे हैं हम आगे, अब हम जा रहे हैं आगे शॉप पे, देखते हैं मन्नत ने जिद की है मन्नत के लिए कुछ लेने के लिए, है मन्नत आपने कुछ लेना है? यहाँ पे ड्रॉइंग्स मांग रही है ये, लेट्स सी कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। आगे शॉप पे जाते हैं, पीछे हमारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं, इस तरह से पूरी साइड बनी हुई है जहाँ पे आपको टेंट्स मिल जाते हैं रहने के लिए। तो हम चल कर जाते हैं थोड़ा आगे तक यहाँ पे, वो देखो जी अभी रोशनी है और चांद आ चुका है, यहाँ पे धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, देखते हैं ऊपर हमें यहाँ पे क्या मिलता है। कम हो गया आना जाना, हाँ अच्छा यहाँ पर भी हुआ था हाल खराब, नीचे जो आते हैं वो हमने देखा था वहाँ पे, है ना? हाँ 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 पुल बना था, हाँ जी सही बात है, वो तो बड़ा खतरा है। हाँ पढ़ाई करती है, इसको इतना इंटरेस्ट है ना पढ़ाई में, मैं अपनी ताप तो हराम नहीं करने जाती, बस पढ़ाई करने जाती हूँ, बस ये पढ़ाई करेगी यहाँ पर। और यहाँ पर जबरदस्त हमारे टेंट्स लग चुके हैं, आज रात की महफिल यहाँ पर जमेगी हम लोगों की। तो बस हमारा यहाँ पे टेंट भी लग गया, मैंने इन्हें कहा टेंट भी लगा लो, बच्चे ना आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं। दीपक भैया यहाँ पे अपनी लाइटनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख लो जी यहाँ पे टेंट लग गया, ये ठीक है ना, टेंट लगा लिया यार, आराम से बैठेंगे। हाँ जी तो कहाँ तक पहुँचे हमारे एग्स? पहुँच चुके, हाँ हाँ कटिंग करके
ब्लैक पेपर वगैरह डाल के रेडी कर दिए। लड्डू भाई की किचन में आ चुके हैं भाई। इस टाइम पे क्या बन रहा दीप भाई? आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, क्या बात है। आलू की सब्जी और चावल। देखो भाई, भैया ने कटिंग कितनी प्यारी कर रखी है भाई। और तेरी जबरदस्त, क्या बात है। चलो भाई अभी देखते हैं अपनी किचन में क्या बनेगा। हाँ पलक जी, क्या करोगे फिर आज? एग बॉईल करके खा चुके हैं हम लोग। हाँ जी, एक्चुअली आज बनाने के मूड में नहीं थे क्योंकि आज थोड़ा रेस्टिंग मोड था। बट अब क्या है ना, हमने दिन को सांबर बनाया था तो सांबर बना हुआ है, साथ में चावल बना लेंगे, क्यों वेस्ट करना इतना सारा मैंने बना लिया था। अनाज अनाज वेस्ट नहीं करना भाई, जो मर्जी हो जाए। सांबर इतना टेस्टी बना है ना, उसके साथ चावल खाने का अलग ही मजा आएगा। साथ ही साथ ना एक चीज बताती हूँ, उस बार ना हमने ये नए कुछ दिखे थे पैकेट्स, ये दिखे थे, ये पास्ता के ना ऑलरेडी बने हुए होते, इसको सिर्फ पानी में अच्छे से बॉईल करो। ये शेजवान है हमारे पास, दो तीन तरीके के हैं ये। दो, ये अपना ये अमेरिकन स्टाइल हो गया, चीजी पास्ता हो गया, और एक ही हमारे पास है मसाला पास्ता। अब इन तीनों पास्ता में से कोई एक पास्ता बना के खाते हैं, साथ साथ ना फिर से कावा। कावे के बिना कुछ गुजारा ही नहीं हो रहा है हमारा। कावा तो पिए, कितने ठंडे मौसम में कल पिया था ना, थोड़ा अंदर से रिलैक्स हो गए थे। कावा बना लेती हूँ, और इतना चिलिंग मोड है ना यहाँ पर ऑन, बच्चों को कुछ खिला लेते हैं। लड्डू अभी सोकर उठा है, वो तीनों चारों बच्चे देख लो किस तरह से टेंट में बैठे। हाँ जी बेटा, बच्चे अंदर चिल कर रहे हैं, दिखा दो हमें। और वो लड्डू बैठे आए थे मन, तो वो लड्डू है देखो, आराम से टेंट में फिट हो रखे। क्या बोन फायर चल रहा है, लग चुका है। इधर लगा रहे हैं, दीपक भाई लगा रहे हैं, क्रॉस में रखना होता है। और पलक को पूछते हैं, पलक जी क्या कर रहे हो आप? पलक जी यहाँ पे पास्ता रख के, कावा रख के चल जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं भाई? लड्डू, दीपक भैया लोग को लड्डू को इरिटेट क्यों हो रखा यार? चलो चाय लाई। बस बस तेरी भी ज्यादा। दीपक भाई आपका कावा आ चुका है भाई। अरे भाई थैंक यू वाह यार, ये असली मजा भाई, ये मजा आया कि नहीं? भगवान आपका भी भला करेगा। आपका नहीं, भाभी जी का। भाभी जी का, मेरा नहीं करेगा? चलो सर आपने किया। ये तो गलत हो गया, खाली भाभी का भला हुआ, मेरा हुआ नहीं। आपने सर किया, इसलिए आपको भी देते पॉइंट, आपको भी एक पॉइंट दे देते। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो भाई, रेडीमेड पास्ता था, इसमें इतना सा पास्ता है, साथ में ये मसाला दिया, मसाला दिया हुआ, मिक्स कर लेती हूं, देखती हूं क्या बनता है, क्या बनता है भाई। और ये शेजवान है तो धुएं निकलने वाले हैं, ठीक है? शर्ट में धुएं निकलने वाले हैं भाई, भाई गार्ड। हाँ जी, नहीं नहीं, इसमें ना ये एक छोटा सा सैशे दिया है। अच्छा। जिसमें बोला है फॉर एक्स्ट्रा स्पाइस, ज्यादा नहीं डालना, क्या फायदा नहीं डालना, कोई फायदा नहीं है। ओके दे दो आप, कपिल भैया को भी कावा दे दो। ये लॉन्च भैया, भाई जी कावा आपका, थैंक यू। देखते हैं भाई कपिल भाई क्या कर रहे हैं। कपिल भाई आपके लिए, आपके लिए गर्मा गर्म कावा, भगवान भला करेगा। आज दीपक भाई ने बोन फायर करा और राजा भाई ने भाई गर्मा गर्म कावा लेके आ गए, कावा कश्मीरी कावा। भाभी जी क्या बना रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, पनीर टिक्की की तैयारी। अच्छा, राइस बन रहा है। ओ क्या बात है, बोन फायर लग चुका है भाई, क्या बात है। दीपक भाई तो एंजॉय भी कर लेंगे बोन फायर का। हाँ पलक जी क्या क्या बन रहा है भाई? पास्ता होने वाला है, 5 मिनट बोला है, लेकिन 5 मिनट नहीं लगते, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, इसको होने देते प्रिपेयर, इसको कवर करके रख देती हूँ। मैं कावा गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है ना, एकदम से ठंडी हो जाती है चीजें। हाँ, एकदम ठंड हो रहा है, ठंड हो रहा है, तो ये कावा बन जाए। आपको कावा दे देती हूँ गर्म गर्म, साथ में लड्डू के लिए ना एक्चुअली चाय मंगा लिए, कुलचा होता है। अच्छा, कुलची खाएगा लड्डू? कुलचा, लड्डू कुलचा खाएगा हमारा, क्या बात है भाई। कुलचा ना इसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। हाँ ये बात सही। हाँ कावा कश्मीरी कावा के साथ में दिया था। हाँ हाँ सही बात है, बिल्कुल सही सही बात। मन्नत चेयर फोल्ड होगी आपकी, क्या बात है। जी बैठ गए दीदी, उठ यार बादाम नहीं दिख रहे। सही बात है, कल फाइंड में बड़ा मजा आया। कल फाइंड में पलक बादाम कहाँ गए? जल्दी जल्दी भूल गए, क्या बात है। सही मजाक बन गया, मजाक भाई, सच्ची बात है। हाँ ये तो बात सही है भाई, वही ना आपके साथ मजाक हो गया ना, आप बादाम ढूंढते थे, बादाम ही नजर नहीं आए, धोखा हो गया। यहाँ पे हमारा पास्ता हो गया रेडी, पलक रेडी करके चली गई थी लड्डू को खिलाने पिलाने, तो मैं थोड़ा गर्म कर रहा हूँ। पलक कह रही है टेंट में लेके आओ, वहाँ पे बैठ के आराम से खाते हैं। क्या जबरदस्त पास्ता बना है, इंस्टेंट पास्ता है भाई, देख के आज फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर गर्मा गर्म पास्ता हमारा बनकर आ चुका है, देख सकते हैं। ये इंस्टेंट पास्ते में ले आया था, दो तीन पैकेट
अभी मोड करके अभी बना के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। पास्ता है, पास्ता है। तो पास्ता होना चाहिए यहाँ पर। पास्ता ट्राई करते देखते हैं कैसे रहता है। एक तो खुद बनाते हैं, थोड़ा सॉस डालेंगे। सॉस डालेंगे ऐसे ही, पहले ऐसे ही। एज कम्पेयर किया जाए ना जो हम खुद बनाते हैं, जो हम खुद बनाते हैं ना उसका अलग ही टेस्ट होता है यार। और इसका अब थोड़ा सॉस सॉस यहाँ डालते हैं, फिर देखते हैं सॉस के साथ थोड़ा मजा आएगा। दो फ्लेवर और पड़ेगा, दो फ्लेवर और पड़े इसके। टेंट के अंदर ही बैठ के खा रहे हैं क्योंकि लड्डू हमें हिलने ही नहीं दे रहे आज। थोड़ा बेटर हुआ। चीयर्स। वो अपने हाथ से खाना चाहता है, वो फाइटर बन गया भाई आज। मम्मी को क्या बात है, क्या बात है लड्डू, क्या बात है। प्यार उमड़ा इसको मम्मी। बाप की तो कुछ बेहतर ही नहीं, बाप की कोई फिक्र ही नहीं भाई। मम्मी और मैं, मैं और मेरी मम्मी है। सॉस वाला खाओ। सॉस मान ले 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 मेरा पर ये देख लो जी, ये लग गया किचन का काम थोड़ा सा करने के लिए। कुकर में पड़ा हुआ था सांबर, तो इस सांबर को शिफ्ट कर लिया हमने कढ़ाई में। थोड़ा सा पानी डालकर, मैं कह रही पानी डाल के थोड़ा कमजोर करेंगे। पानी डाल के सांबर को थोड़ा सा पतला किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो सांबर को गर्म करेंगे साथ ही साथ कुकर में, ना बहुत सारा सांबर है। अब कुकर में साथ ही साथ हम चढ़ा देते हैं चावल। लड्डू क्या बोल रहा है? लड्डू ना उसको मम्मा चाहिए, थोड़ा मम्मी मोड में हुआ है। उसको कह रही कि मम्मा चाहिए, तो उसके साथ गाड़ी में बैठ रही हूं। यही बनाएंगे आज रात का खाना। क्या कर रहे हो? सांबर रख दिए यहाँ पे गरम करने के लिए, साथ में चावल रख दिए। हां जी हां जी। तो सोच रही हूं बच्चों को पहले कुछ खिला लेती हूँ, फिर बच्चों को खिलाकर सुला देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे बोन फायर के पास, मजे करेंगे। ठीक है, तो आज भी अंश भैया नाटी होगी नाटी नाटी होगी भाई। कल तो लंच में ने लास्ट में करवाई दिया सबको डांस, पूरी सिखा के छोड़ेंगे नाटी वाला। हाँ, नाटी है रात को, नाटी चलेगी फिर? हाँ जी बिल्कुल चलेगी। क्या बात है भाई, बोलेंगे तो फिर दौड़ेगी भी। दौड़ेगी भी, क्या बात है। तो आपने क्या क्या बनाया अब किचन में? हाँ पलक जी। अच्छा मुझे पूछ रहे थे मैं और कौन बैठा भाई इधर? हमारे किचन में भी बनाओ बनाया काम था आज, जल्दी जल्दी काम निपटाया मैंने। हाँ भाई खींचा। अच्छा चावल बनाने की कष्ट उठाया मैंने आज, शॉर्टकट काम कर दिया भाई। क्या बात है, क्या बात है। सांबर बना हुआ है, लड्डू देखो आराम से कार्टून देख रहे। अच्छा इसी टाइम पे कुछ खिला दूं, लड्डू कुछ खिला देगा। लड्डू देखो, लड्डू को देख लो भाई। मनु दिखा दो भाई, थोड़ा सांबर ही दिखा दो भाई। हम ना हमारा सांबर, हमारा सांबर। हाँ देखो सांबर यार, ये बात सही की तूने, वेस्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत ज्यादा बना, सारा सांबर बनाया था, इतना सारा सांबर है, वेस्ट क्यों करेंगे भाई। ये बात सही है, बहुत अच्छी बात की। नहीं अब खा लेंगे ना, तभी कुछ और नहीं बनाया भाई, है ना। वो देखो ना कितना बना हुआ था यार, ऐसी फेंक दे, ऐसी रिज़्क का अनादर नहीं करना चाहिए भाई। एक बार बोलती है, पता क्या, मैं अंडा बना रही हूँ एग के साथ, मैं बहुत मजा आ गया। मैंने बच्चों के लिए ना ओट्स बना लिया है, क्योंकि सांबर और राइस तो वो खाने नहीं वाले हैं। आजा आजा मैं जाऊँ, मैं जाऊँ कट्टी जाओ आजा बैठो, आओ बैठो यहाँ पे बैठो। तो बस यहाँ पर हम बैठकर अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली बच्चों ने इतना शोर किया हुआ था ना, तो इस वॉल्यूम को मैंने म्यूट कर दिया। गर्मा गर्म सांबर चावल यहाँ पर हमने एंजॉय किए, एकदम जबरदस्त ठंड थी समय यहाँ पर। और यहाँ पर ना मुझे धुआं बहुत परेशान कर रहा है, धुआं मेरी आंखों में लग रहा है। सांबर चावल के बीच में गर्मा गर्म ही नहीं, गर्मा गर्म भाई, आप भी आए एंजॉय करें भाई हमारे साथ डिनर। तो गर्मा गर्म खाना खाने के बाद मजा ही आ गया, इतने ठंडे मौसम में और गर्मा गर्म खाना मिल जाने, इस तरह से बाहर बैठ के सबने इकट्ठे होके खाया, इसका मजा ही अलग था यहाँ पर। तो बस बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं खाया, उनको खिला लेती हूँ। कपिल भैया की स्पेशल डिश बन रही है यहाँ पर, ये लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, देख लो जी ये लोग इस तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे भाई टिक्के बन चुके हैं भाई,
यहाँ पे भाई और भाभी ने टिक्के बना दिए हैं। हम अपनी अपनी प्लेट्स लेकर आ गए। हाँ, अपनी प्लेट्स लेके आ गए भाई। साइज के सही हो। पनीर सही तगड़ा बाहुबली टिक्का है भाई। क्या अरे ऐसे हो जाएगा। तो ये पहला भोग लगा जी इस बार रतन फैमिली को। रतन फैमिली को यार सच में सही बना है। सच में अच्छा बना है। मतलब आपको उम्मीद नहीं थी अपने आप पे। नहीं थी। वैसे भाभी ने बनाया होगा आपने तो। किसने बनाया? तो वो फुल रात हमारा यहाँ पर मतलब इस तरह से हम इंजॉय करने वाले बॉनफायर को और इस तरह से नाटी डांस यहाँ करने वाले। तो आप भी वीडियो के साथ बने रहिए और एंड तक देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो लगी, कैसी लगी हमारी कैंपिंग, हमारी मस्ती और इस तरह का हमारा डांस यहाँ पर। कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तो यहाँ पे भाई बहन की मस्ती चल रही है, देख लीजिए किस तरह से। इतना पार पापा, इतना पार दीदी के साथ। तो ये टेंट के अंदर एक अलग ही मजा है, बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना, और एक इंटरेस्टिंग चीज इन्हें लगती है। मतलब आपको टेंट के अंदर सोके कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। बच्चों के लिए एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना ये, कि ये कहाँ पर सो रहे हैं, हम कैसे सो रहे हैं। बट इस बार हम छोटा टेंट लाए हैं, बहुत मज़ा आता है। एकदम गर्मा गर्म हो जाते हैं सब एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ गले लगकर सो जाते हैं, एकदम मज़ेदार मज़ा आ जाता है। तो बस बाहर बॉनफायर चल रहा है किस तरह से और बहुत मज़ा आया। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही।